कर्नाटक का किला फतेह करने के बाद कांग्रेस की नजर अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। बीते 8 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की 74वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ये क्यास लगाए जा रहे थे कि इसी दिन वाईएसआरटीपी का विलय कांग्रेस में विलय हो जाएगा। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वाईएस शर्मिला के एक ट्वीट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राहुल गांधी द्वारा वाईएस राजशेखर रेड्डी के लिए लिखे गए एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए वाईएस शर्मिला ने लिखा है, धन्यवाद राहुल जी, स्वर्गीय डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी जयंती पर याद करते हुए आपके स्नेह भरे शब्दों के लिए। डॉक्टर वाईएसआर एक प्रतिबंध कांग्रेस नेता थे जो आपके नेतृत्व में इस देश के उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हुए तेलुगु लोगों की सेवा में इस दुनिया से चले गए। उनका कल्याणवाद का मॉडल आज भी पूरे देश में शासन का पसंदीदा मॉडल बना हुआ है। धन्यवाद सर कि डॉक्टर वाईएसआर आपके दिल में बने हुए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसका जवाब शर्मिला ने दिया है। गौरतलब है कि इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ वाईएसआरटीपी के विलय की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इसके बदले में कांग्रेस वाईएस शर्मिला और उनके कुछ करीबी समर्थकों को तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस विलय के बाद वाईएस शर्मिला को राज्य में बड़े चेहरे के तौर पर भी उतार सकती है। इस विलय का संभावित गठबंधन का एक संकेत तब मिला जब पड़ोसी राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद शर्मिला ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कई बार मुलाकात की। दोनों के बीच आखिरी मुलाकात 29 मई को बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में शिवकुमार की भूमिका की सराहना की। शर्मिला ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति को हराने के लिए उनकी पार्टी किसी से भी बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने तेलंगाना में राजन्ना रज्जम को वापस लाने का वादा करते हुए साल 2021 में वाईएसआरटीपी की स्थापना की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।